हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अद्भुत और सत्य, वैज्ञानिक युग में गजब का चमत्कार, वर्षा की भविष्यवाणी का केरुंदा मंडावर मेला हुआ संपन्न, खुशहाली के साथ अच्छी वर्षा की जताई गई उम्मीद, मगरा मेवाड़ में सुखद व सुकाल की आस। वर्तमान वैज्ञानिक युग में कई बार मौसम विभाग अनुमान व कयासों में फेल नजर आता है, पर राजसमंद अजमेर पाली जिले के वन क्षेत्र में राजसमंद जिले के भीम तहसील क्षेत्र के गांव मंडावर स्थित केरुंडा बाबा रामदेव मंदिर पर शत प्रतिशत सटीक भविष्यवाणी की जाती है। परंपरागत रूप से करीब 600 साल से ये मौसम व वर्षा की भविष्यवाणी का सतत क्रम चला आ रहा है। मियाला से पूजा हेतु विशेष संघ महेंद्र सिंह तवर, सवाई सिंह, रंजीत सिंह, दलपत सिंह, गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में केरुंदा पहुंचा। ऐसे किया जाता है आकलन। मंडावर गांव से पश्चिम दिशा में सघन वन क्षेत्र में तेज पहाड़ी ढलान पर रोट व कुंड शगुन सहित मंदिर परिसर में दो अच्छे से शगुन देखे गए हैं। इसके अनुसार अच्छे संकेत मिले हैं। मगरा मेवाड़ में सुखद वर्षा की आस जागी है। पहला शगुन चार अलग अलग कुंड जो कि वर्षा काल के चार महीनों व चार क्षेत्रों मारवाड़, मालवा, मेवाड़ व मगरा के होते हैं। इन सूखे पड़े कुंड में पूजा अर्चना के उपरांत पानी आने व जल स्तर कम ज्यादा होने के आधार पर आकलन किया जाता है। दूसरी तरह के शगुन में लाखागुड़ा के दलाराम सालवी के सानिध्य में 5.25 किलो आटे का बड़ा रोट कुंड से निकले पानी से बनाकर उस पर कच्चा धागा लपेटा जाता है। इसे धधकते अंगारों पर कई घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। आने वाले वर्ष की वर्षा व जमाना अच्छा होने पर इसका कच्चा धागा नहीं जलता है। रोट के पकने की अवस्था से वर्षा का सटीक आकलन किया जाता है, जो कि मंडावर गांव में आंबा का कुआ मालातू की ग्वार में मंगलवार सुबह 8 बजे के करीब दिखाया गया। इसके अनुसार आगामी वर्ष में धनधान्य से पूर्ण वर्षा, सामान्य से अधिक बरसात की सुखद आस जगी है। इसके बाद मंडावर के ही खजूरिया, बादरिया, रोहिड़ा के मध्य बड़वा कुआं पर रोट को मेलार्थियों व ग्रामीणों में बांट दिया गया। क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं। समाज सेवी जसवंत सिंह मंडावर ने बताया कि स्थान रुणेजा बाबा रामदेव से सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है। रामदेव के काका धनराज मेवाड़ मेहराना मोकल के बुलावे पर रामदेव की एवजी में देवगढ़ के समीप कुंभा की जन्म स्थली माल्यावास मदारिया में कुंभ महोत्सव संत समागम में शरीक होने आते समय प्यास बुझाने व विश्राम के लिए केरुंडा में रुके, धूप उखाड़ कर प्यास बुझाई। उस जगह आज मंदिर है व जल की अविरल धारा बह रही है। आधा किलोमीटर मंडावर की तरह चलने के बाद फिर प्राकृतिक रूप से अवरुद्ध मार्ग में भाला ठोक कर मार्ग बनाया गया, जिसे अब कमाड़ भाटा कहा जाता है, जहां पगलिए व घोड़े की खुर प्राकृतिक रूप से बनी हुई नजर आती है। धनराज के मदारिया पहुंचने पर कुंभ महोत्सव संत समागम ने रखे घड़े कुंभ से मोकल की इच्छा अनुसार बालक ने जन्म लिया, जो कि आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाया। संत समागम के बाद पुनः लौटते समय रामदेव के रुणेचा में समाधि की खबर मिलते ही यथास्थान मियाला में समाधि ले ली। इस तरह धनराज व रामदेव के चमत्कार नायाब अजूबा केरुंडा अपने चारों ओर प्रसिद्धि पा रहा है। पहली बार विधायक पहुंचे दुर्गम केरुंदा में। देश की आजादी के बाद पहली बार कोई विधायक सुदर्शन सिंह रावत दुर्गम पहाड़ियों में स्थित केरुंदा पहुंचे। इस अवसर पर मंडावर सरपंच प्यारी कुमारी चौहान, रावत राजपूत महासभा संरक्षक भगवान सिंह चौहान, जसवंत सिंह मंडावर, मिठू सिंह पटवारी, लुम सिंह मंडावर, भगवान सिंह काजबाली, रमेश सिंह बोरिमदा, आनंद सिंह सुरड़िया, दिनेश सिंह सुजावत, मोहन सिंह बुढ़िया खेड़ा, भोपाजी धन्ना सिंह, डूंगर सिंह प्यारी, मिठू सिंह प्यारी, हेम सिंह आदि साथ थे। जल्द बनेगी डामरीकरण सड़क। विधायक सुदर्शन सिंह रावत व सरपंच प्यारी कुमार ने बताया कि मंडावर से केरुंदा को जोड़ने हेतु वन सीमा तक 3 किलोमीटर सड़क जल्द बनेगी, जिसकी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हला कमाड़ भाटा से वन पथ बनेगा। वहीं वन क्षेत्र में नियमानुसार गोरमथड़ा से मंदिर तक वन ट्रैक बनाया जाएगा। मेलार्थियों का मंडावर गांव में हुआ भव्य स्वागत। मियाला से केरुंदा व केरुंदा से मियाला चलायमान मेले का मंडावर गांव में हलपड़ा में चतुरपुरा नवयुवक मंडल की ओर से स्वागत किया गया। वहीं आंबा की कुआ पर मालातों की गुहार की ओर से तथा बड़वा में रोहिड़ा, बदरिया व खजूरिया की ओर से स्वागत हुआ। इस अवसर पर मंडावर सरपंच प्यारी कुमारी चौहान, जसवंत सिंह मंडावर, मिठू सिंह पटवारी, उप प्रधान नारायण सिंह, अध्यापक भवर सिंह, पन्ना सिंह आर्मी, पूरन सिंह डुंगावत, लाल सिंह डुंगावत, गणेश सिंह, गोकुल सिंह, देवी सिंह रोहिड़ा, भवर सिंह खजूरिया, नवल सिंह रोहिड़ा, रूपचंद प्रजावत, देवी सिंह ठाकड़ा, मोहन सिंह डुंगावत, भवर सिंह कनियाद, घीसा सिंह, नरेंद्र सिंह पोस्टमार्टर आदि मौजूद थे। राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।